Assalamu alaikum, khawateen hazrat. My name is Hasan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum. Ji, walaikum assalam, Hasan. Aap apne podcast mode mein sab chale gaye hain. Nahi yaar, main to set hoon. Theek hai, samajh aa gaya. Kaisi hain aap? Main alhamdulillah. Aise lagta hai ki wo इधर फोन होना चाहिए. हेलो हेलो, क्या हाल है आपका? नहीं माशाल्लाह, आपकी आवाज काफी ऊंची है. बहुत दूर बैठी हूं यार. लेकिन यार मुझे ये फ्रेम्स अच्छे लगे. फ्रेम अच्छा लग रहा है मुझे. ये फ्रेम और ये लाइट अच्छी लग रही है जी. अगर आपको ये फ्रेम अच्छा लग रहा है, आपको कौन रोक सकता है? मैं आप रोक सकते हैं वैसे, लेकिन मेरे ख्याल है ये फ्रेम उस वाले से बेहतर है. मैं नहीं रोक सकता यार. मैं देखिए ना, पीछे आपकी वही जो उस घर में हुआ करती थी, आपके पीछे तस्वीर वही है पीछे आ रही नजर. हाँ तो मुझे तो आपने कहा 3 बजे रिकॉर्डिंग करनी, मैंने कहा कर लो. मैंने कहा 3:30. आपने कहा 3:30 कर. मैंने कहा तो प्यारी चीज है आप. है? आप प्यारी चीज. मैं बहुत प्यारी चीज. मैं तो वो हूँ वॉटरफॉल हूँ. जैद मोम गुड़ी. आबशार हूँ मैं, बस पानी की तरह गिरता रहता हूँ. मोम की गुड़िया. मोम की गुड़िया. क्या कहना चाहेंगे हम ना, आज आप और मैं इकट्ठा हुए हैं. आप और मैं आज इकट्ठा हैं. कितने दिनों बाद हम इकट्ठा हुए हैं आज, इतने दिनों के बाद. इस मौके पे कुछ कहना चाहती हैं आप? मैं कहना कुछ शेर तो सुनाएं. मैं शेर मेरे पास नहीं है, लेकिन यार बड़ा अच्छा शेर एक मावश ने मुझे बताया था, मैं भूल गई. तू शाही है बसेरा कर, नहीं इससे ज्यादा पहाड़ों की चट्टानों. नहीं नहीं, ये तो खैर है ही अच्छा, लेकिन और भी अच्छा था. लेकिन नहीं, मैं चाहती हूँ कि हसन ये मौसम हमें कोई 1-2 महीने और मिले. ये वाला मौसम क्यों अच्छा है? बहुत मतलब अंदर अच्छी ठंड सी है, बाहर जाओ तो धूप अच्छी लगती है. मैंने कोई मीम देखी कि अल्लाह का शुक्र अदा करो ये वाली सर्दी 4 महीनों बाद 80,000 रुपए की मिला करेगी. क्या मतलब? मतलब एसी लगाना पड़ेगा ना इस तरह के मौसम के लिए. तो 80,000 रुपए खर्च होगा बिजली के ऊपर. तो अल्लाह का शुक्र अदा करो फ्री में ये मौसम अभी एंजॉय. बड़े क्यूट है, मुझे बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन मैं कह देती हूँ फिर भी. अल्लाह मियां यार माँ बाप को हमेशा सलामत रखे. आमीन आमीन. आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच लाइक बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड. हर बंदा ऐसा सोचता है, लेकिन सुबह सुबह अब्बू का मुझे मैसेज आया और मुझे कहते हैं कि बेटा आई विल ना दिस मंथ गिव 50% ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल. तो मैंने कहा अबू सर्दियों में ना दे देना ही. क्या डियर डियर डार्लिंग अबू, अभी सर्दियों में ज़्यादा बिल नहीं आ रहा, मैं दे सकती हूँ. अगर देना ही है तो गर्मियों में दे देना. But how did that thought come? I don't know. He just keeps coming up with paisam ki zarurat to nahi hai, ki chahiye ja rahi ho, dollars bhijwa do. Matlab ki just you know. Alhamdulillah. Kisne kaha ki yaar wo maa baap se itne zayif maa baap se lena nahi chahiye. Main kehne yaar maa baap bade lena chahiye. Lena chahiye exactly. Lena chahiye. I think the one set of people you can take for granted, every child should be able to take for granted is the parents. Of course lena. Absolutely. Main kaha yaar माँ बाप के सब हमारे ही है किसका. एग्जैक्टली. मैं कहा प्यारे अबू अभी तो बिजली का बिल मैं दे, एसी चल रहा है, जब एसी चलेंगे तब दे देना आधा. अपने माँ बाप से भी लेना चाहिए और आपको भी अपने बच्चों को देना चाहिए. और आपको भी इजी होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे आपसे कुछ मांग रहे हैं और ले रहे हैं तो आप खुले दिल के साथ उनको. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. प्यार आया, क्यूट भी लगे अबू. हाँ क्यों नहीं लेना चाहिए माँ बाप ये मुझे क्यों. आराम ना, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं. ऐसा ही है, हर तरह का उनका ओपिनियन होता है. जी बिल्कुल. तो आज जो हमारा टॉपिक है उनमें से 1-2 में ये बात निकलती है. ये निकलती है बात. आपको हजम नहीं हुआ कल की जो आपने रिव्यू किया है पूरा? कल का तो हमने एक सर्सरी. यार मैं उस पे एक और बात करना चाहती हूं. अगर आप मुझे कौन यार आप ना आप ये ना कहा करेंगे मैं और बात करना चाहती हूँ. आप कर दिया करें, कर दिया करें आप, क्योंकि आपको कौन रोक सकता है. मैं ये बात करना चाहती हूँ कि यार कल हमारा मेरा इंटरव्यू आया फरियाल महमूद के साथ, ठीक है जी. उस पर जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि फीडबैक इंटरव्यू पे आएगी, वो वैसी आई और उससे बुरी भी आई. और मुझे, मैं जब कमेंट्स पढ़ रही थी तो बहुत से लोगों ने कहा कि ओ यू नो शी इज़ गॉट सच अ वल्गर ड्रेस सेंस एंड छोटे छोटे कपड़े पहन के ये प्रमोट कर रही हैं, ये कपड़े कैसे पहनती हैं, ये न्यूडिटी प्रमोट कर रही हैं, ये नंगे कपड़े क्यों पहनती हैं, ये टांगें क्यों नज़र आ रही हैं. तो मैंने यार थोड़ी देर बाद ना जैसे बंदे को धुआं नहीं निकलना शुरू हो जाता, मैं कहा यार हम एक औरत को देखते हैं, इसके आगे नहीं हम जा सकते कि उसने पहना हुआ क्या है. मतलब कांट वी जस्ट गो बियॉन्ड दैट? आई मीन आर वी सो क्लोज माइंडेड एज पीपल दैट वी आर स्टक विद यार एक औरत ने पहना हुआ क्या है, पहना हुआ क्या है, उसके आगे हम जा नहीं सकते. जबकि रिलीजन आपको कहता है मॉडेस्टी अडेयर करने को, मगर जहाँ तक मेरी समझ है मर्दों औरतों के लिए मॉडेस्टी बिल्कुल एक जैसी है. मर्दों पर बिल्कुल ये इतराज़ नहीं आता कि इस पॉइंट अखाड़ा और मेरा रिव्यू हम इन्जॉय कर रहे हैं. इतनी न्यूडिटी मैंने जिंदगी में नहीं कभी टीवी में देखी. मैं अच्छा हसन मैं मतलब आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ न्यूडिटी ऑन टीवी. लड़कियां हमारी टेलीविजन एक्ट्रेसेस स्लीवलेस कपड़े पहनने में घबराती हैं. अच्छा वैसे ये बड़ी इंटरेस्टिंग आपने पैरेलल ड्रॉ किया है, क्योंकि हम अक्सर ड्रामों में देखते हैं कि अगर बादल ना ख्वास्ता, जो कि होता नहीं है, कि अगर फॉर थ्रू सम अनफॉर्चुनेट
इंसिडेंट एंड और मींस किसी का क्लीविज अगर नजर आ जाए ना फौरन ब्लर हो जाता है, फौरन ब्लर कर देते हैं। तो मैंने कहा यार कि अच्छा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि अखाड़ा जैसी कहानी नहीं बननी चाहिए, मैं कंप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दिस कि यहाँ पे एक मर्द है, आपने मेल एक्टर को दिखाया वो लिटरली अपने लंगोट में है, एंड आई कुड सी इट्स वियर्ड एवरीथिंग बट यू कुड सी देयर अंडरवियर आल्सो, या लाइक यू नो इन वन सीन यू कुड एक्चुअली सी कि डोडी ने लंगोट के नीचे या वफरा नहीं या वो जो उनके सब गहने जो थे वो आपके सामने थे उनकी जो सो लाइक व्हाट इज दिस कांसेप्ट कि वहां पे अगर क्लीविज भी नजर आ रहे तो ब्लर आउट करें ठीक है कर लें, तो यहाँ पे फिर पूरी इजाजत है कि मर्द नहीं है भाई, मॉडेस्टी औरत मर्द के लिए दोनों की नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी अगर अगर टेक्निकली आप देखें तो 70 तो कवर्ड नहीं है ना, फिर यू नो जो एग्जैक्टली मतलब है कि वो बिल्कुल अंडरवेयर में अपने वो नंगे हैं वो, तो व्हाई डू व्हाई हाउ आर दे गेटिंग इट, हाउ आर दे गेटिंग इट, वो ये नंगे हैं ये टीवी पे लड़की जो है उसकी क्लीवेज ब्लर अप कर देते हैं, हल्का सा बाजू उसका नजर आ रहा है, आप कहते हैं ओहो ये तो उस टाइप की दो नंबर टाइप लड़की है, स्लीवलेस कपड़े पहनती है, खुदा ना खास्ता मिडरिफ नजर आ जाए वो भी ब्लर आउट कर देते हैं, वो भी ब्लर आउट कर देते हैं बिकॉज इट्स अ मिसोजिनिस सोसाइटी। बट तकलीफ मुझे ये होती है कि ये ज्यादातर जो एतराज है ना ये औरतों से आ रहे हैं, so are we that suppressed that we can't see beyond it, I'm not even saying ki wo sahi kar rahi hai galat kar rahi hai, abhi to mere interview mein to wo puri she was all covered, sleeveless usne pehna hua tha, high neck usne pehni hui thi, niche tie aur waistcoat har cheez, magar jo wo videos laga rahi hai nahi laga rahi, ek moral debate to bilkul farak hai ki sahi hai ya galat hai, sahi hai agar aap keh rahe hain ki isse aage chale, main kehti hu ki yaar ek artist hai usko please is tak mehdood na rakhein ki usne pehna hua kya hai, uske craft ko dekhein, aapko koi nahi keh raha aap uska rishta jodein, but we need to get beyond it. acha वैसे ये conversation जब LSAs होते हैं या कोई और events होते हैं, red carpets होते हैं, even जब internationally अभी क्योंकि आजकल award season वहाँ पे चल रहा है, तो अभी golden globes हुए वहाँ पे भी red carpet outfits और ये सारी conversations होती नहीं है, इंडिया में भी होती है मेरे ख्याल में, होती है लेकिन इस चीज पे नहीं होती कि oh how much is somebody revealing, I think होती है मतलब एक certain हद तक, I think they're okay with it, but उसके beyond जो थोड़े risky किस्म के outfits होते हैं उसपे बात तो होती है, बहुत risky होते हैं, और मैं but risky outfits पे बात तो होती है ना, मैं तो ये भी नहीं, Hollywood में तो बिल्कुल नहीं होती, नहीं कान चान पे भी होती है, नहीं risky पे नहीं होती, मैंने कभी नहीं देखा, वो जो आपका वो कौन सा होता है वो एक जो होता है Met Gala, हाँ Met Gala पे होती है, risky पे नहीं होती हसन, it's never about how revealing something is. Not to say that अगर आपने cultural commentary करनी है आप जरूर कहेंगे यार this is not according to our culture. Or this is not according to our cultural and religious values. So, एक जो brand ambassador है आपका, cultural brand ambassador, उसको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए. If you give like a very reasonable, sensible, polite and responsible conversation, I am willing to have that conversation. It's the way you say it, right? But when you say कि हो ये नंगी कैसी, इसको शर्म नहीं आती, ये बेशरम है, वहाँ पे I draw the line कि यार एक artist है, उसके ये choices हैं. अब वो गलत हैं या सही हैं ये उसके choices हैं. आपको उसका फन नहीं पसंद आप उसका काम मत देखें। अच्छा इसी से रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि हम यमुना भी अपनी फिल्म प्रमोट कर रही हैं उनके भी हम वेरियस लुक्स देख रहे हैं तो और क्योंकि हम स्पेसिफिकली क्योंकि हॉलीवुड में शायद इतना ज्यादा नहीं होता बट बॉलीवुड में भी फिल्में जब प्रमोट होती हैं तो काइंड ऑफ लाइक अ बिग डील तो अक्सर आप ये भी देखते हैं कि आप जैसे वो कटरीना की जो फिल्म आई है क्रिसमस क्या है वो सम क्रिसमस मूवी टाइटल सॉरी मैं नाम भूल रहा हूँ तो उसमें जो एक्टर हैं उनके साथ कटरीना कैफ के साथ जो मेल एक्टर हैं वो वही एक्टर हैं जो जवान में विलन बने हुए सम साउथ इंडियन एक्टर आई एम अगेन माय अपोलॉजीज मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा इस वक्त तो मैंने देखा कि वो रेड कार्पेट पे अपने कैरेक्टर में थे ही वॉज ड्रेस्ड लाइक लिटरली आई वॉज लाइक यू नो दिस मैन इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू कटरीना कैफ Katrina Kaif on a red carpet and he's literally wearing like sandals and like white pants and like, you know, a button down shirt, khuli hui ajeeb si. But that was his character's look. So he was dressed as the character. So film jab promotions ho rahi hoti hain, to aapko kya lagta hai ki is baat ko madde nazar rakhna chahiye ki yaar ke jo aapki film ka subject hai ya theme hai, us lihaz se aap dress up karein ya natural jaise hai waise karein. Alia was promoting Gangubai,
She wore white sarees and sarees throughout the promotions because that kind of was in sync with her character. That was her choice. But non-choice bhi karte hain isme aisi koi baat nahi hai. Tom Cruise is always dressed in one suit. One kala suit, white shirt. Haan, wo aapki apni choice hai mere khayal hai. Usme koi farak nahi padta. But you need to have your own style. You need so that is important. No, this is Faryal's style. This is her style. Now, you may hate it, you may love it. But I mean, main kitne comments ko delete karun aur karun. Because every other comment, kya, mujhe log pooch rahe hain, don't you have a problem with the way she dresses? No, I don't. Why would she? I don't judge people according to how they dress. Uski. Exactly. मैं उसकी माँ हूँ, उसकी बहन हूँ, मैं उसकी रिश्तेदार हूँ, पुप्पी हूँ, कौन मामी चाची हूँ, मैं क्यों उसको करूँ? मैं एक सहाफी हूँ जो उसके क्राफ्ट की बात कर रहा है, उसकी एक्टिंग की बात कर रहा है, वो बहुत अच्छी है. और आप ये भी कह रही हैं कि तनकीद करने का भी लोगों को हक है. तनकीद करने का भी हक, लेकिन तरीके से तनकीद. ये नहीं कोई कह रहा आपको कि तनकीद ना करें, इस बात का इसको मद्देनजर रखें. ना ही आमना ये कह रही हैं, क्योंकि अक्सर आप सिलेक्टिव हेयरिंग है ना, तो लोग सुन लेते हैं अपनी मर्जी की. आमना ये नहीं कह रही कि फरियाल जो कर रही है सही कर रही है गलत कर रही है. वो कह रही है कि आप लोग जिस तरह से तनकीद करें उसको थोड़ा सा नहीं. जैसे उनकी जो वीडियो आई डांसिंग टू द बकरी थिंग, शी इज वेयरिंग अ टी-शर्ट. मतलब अगर मुझसे कोई पूछता मैं कहती यार नीचे जीन्स पहन लेती हूँ, खाली टी शर्ट, लॉन्ग टी शर्ट है, खाली लॉन्ग टी शर्ट में ना करती डांस. बिकॉज आपको पता है आपकी पब्लिक, आपकी पब्लिक कैसी है, वो कैसी होगी. बट द बॉटम लाइन इज कि यार इज दैट गोइंग टू बी द टेक अवे फ्रॉम द होल इंटरव्यू और हर होल करियर के वो ये कपड़े कैसे पहनती थी. दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. अच्छा मेरे एक और चीज़ आई मेरे उस पर, पता नहीं अब आप मुझे शायद वो समझेंगे क्या, बट मुझे वो मैं हीरा उमर है ना जो जैसे आपकी मर्जी में दुरे की बहन का रोल प्ले कर रही थी, उनको कोई पोस्ट आई तो उन्होंने ना उन्होंने अपनी आई थिंक न्यू ईयर्स पे कोई पिक्चर लगाई थी, शी इज वेयरिंग शॉर्ट्स. वो कहीं पे उनका ग्लास एक पड़ा हुआ था विच अपीयर्ड वाज अ वाइन ग्लास बट अंदर. अब उन्होंने एक लंबी फिर एक क्लैरिफिकेशन दी कि इट वाजंट वाइन एंड लाइक यू नो इट वाज एक्चुअली एप्पल जूस और उसको किया जो भी, इट वाजंट वाइन एंड आई एम वेयरिंग दीज क्लोथ्स. एंड सो आई वाज लाइक यू नो ईदर यू वेयर दोज क्लोथ्स एंड देन स्टिक बाय इट और लाइक यू नो डोंट पोस्ट दैट पिक्चर बिकॉज इफ यू गोना पोस्ट दैट पिक्चर पीपल आर गोइंग टू कॉमेंट. यू कांट बी सो टोन डेफ के यार कि मैं अगर या मैं हसन चौधरी कल को कोई अपनी शर्टलेस पिक्चर एक बार मैंने लगाई हुई थी दुबई में, I can't at the same time not expect यार लोग मुझे नहीं बोलेंगे. आपको नहीं बोलेंगे लेकिन. अच्छा चलो but आपको नहीं बोलेंगे but मेरे कहने का मकसद for example मामिया लगाती है अपनी बीच पे पिक्चर अब वो ओन करती है and she's like मैं ऐसी हूँ मैं ऐसी हूँ ठीक है. अब आपने लगा दिया ना तो वो जो आगे से आता है ना कि oh come on why वो फिर आप ना बोलें क्योंकि आपको पता है you are aware कि जब आप ये करेंगे तो आपका जो ऑडियंस है वो बोलेंगे आपको आगे से. सो मेरा ख्याल है ना ये बात एक होनी चाहिए आमना कि ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इफ यू आर एक्चुअली चूजिंग टू बी अ सर्टेन वे नॉट जस्ट नेसेसरली इन टर्म्स ऑफ वेयरिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ क्लोथ्स देन यू शुड माइट एज वेल यू नो टेक इट ऑन योर चेस्ट एंड बी लाइक ठीक है यार है जो है मैं ऐसी हूँ मैं ऐसे रहना चाहता हूँ. वो जो जस्टिफिकेशन और उसमें आप चले जाते हैं ना ओके द रिलीजन वॉन्ट्स अस टू बी लाइक दिस एंड दैट, मुझे वो लगता है वो बड़ी फ्रिवोलस सी एक बात है यार कि मतलब व्हाट इज योर पॉइंट, मतलब व्हाट आर यू सेइंग. You actually clearly put up a picture like that, knowing fully well that people are going to comment on that. Yeah. So, you know, don't address it then. Yeah. Stay chill about it. Absolutely. Keep doing what you want to do. Absolutely. Don't start schooling people then. I don't start schooling people. Own up to it. Haan, own up absolutely. To it. Absolutely. Very good. Be cognitive of, you know, your decisions. Don't do things like haphazardly. Haan. See? Adi horbibs to aapne kar liye. On that note, aaj hum ikattha hue hain. हो गई है हॉट बाइट्स हो गई आदि. अब हम टाइटल ब्रेक पे नहीं जाएंगे क्योंकि आपने कर लिया. मैंने आपको एक लिस्ट भेजी थी मैंने उसको देखा. मैं वो लिस्ट देखना चाहूंगा और उस हिसाब से बताना चाहूंगा. एक तो हमने बात करनी है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा टकसाली गेट का एक जी, टीजर जी आयशा उमर यासिर हुसैन की फिल्म जी बिल्कुल जिसको आयशा उमर ने और विकास रिजवी विकास ने प्रोड्यूस किया है जी बिल्कुल ऐसे ही जी. तो उसके बारे में मुझे लगा कि हमें बात करनी चाहिए जी. फिर एक अनाउंसमेंट हुई फिल्म की. आपको पता है ईद आने वाली है ऐसा ही रमजान आने वाला है तो फिल्मों की भी अनाउंसमेंट आना शुरू हो गई जी.
तो दगाबाज दिल के नाम से एक फिल्म वजाहत रऊफ ने जी और शाजिया वजाहत ने अनाउंसमेंट की, जिसमें हम देखेंगे अली रहमान खान को जी, मोमिन साकिब को और महविश हयात को। तो मैंने आपको कहा था फोन फड़काने, मुझे फड़काने दें, मैंने तो आपने कहा मैं कर लूं, मैंने किया, फड़का दिया आपने, किया मैंने, वेल डन। आपने एक अनाउंसमेंट हुई, नहीं पहले चलते हैं, एक अदर इंटरव्यू आया जी हमारे मेगा स्टार है फवाद खान साहब, फवाद अफजल खान साहब जी, तो उन्होंने एक दो बातें की अपने इंटरव्यू में जी। तो मैंने कहा हमारी आप सीनियर तजियाकार हैं और काफी हद तक उनसे भी वाकिफ हैं और उनके काम से भी वाकिफ हैं, तो जो उन्होंने अपने काम के बारे में एक दो राय दी या कमेंट दिया, तो मैंने कहा एज ए सीनियर तजियाकार आपका तजिया हम लें, आप नहीं इतने सीनियर, मैं तो जूनियर तजियाकार हूँ ना, आप सीनियर तजियाकार। फिर यार एक खुशखबरी है, फरहान और उर्वा के यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई माशाल्लाह, तो हम उनको मुबारकबाद देना चाहेंगे। माहिरा ने एक ट्रिब्यूट दिया प्रवीण भाभी साहिबा को, तो मेरे उस दिमाग में कुछ सवाल आए, आमना मैंने कहा कि मैं पूछना चाहता हूँ आपसे वो सवाल, तो क्योंकि आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, माहिरा खान से भी आपका गहरा ताल्लुक है, तो मैंने कहा मैं आपसे ये, और प्रवीण भाभी, प्रवीण भाभी से भी आपका गहरा था, चले लगे हाथ, और म्यूज से भी गहरा था, म्यूज जो क्लोथिंग ब्रांड है जी, उनसे भी गहरा, उनसे है आपका, हां क्यों नहीं है, क्यों नहीं, फैशन से ताल्लुक है आपका, म्यूज से भी, तो मैंने कहा उससे भी आपका बड़े पसंद है मुझे म्यूज के कपड़े, ठीक है, तो मैंने कहा तजिया आपका लें। और एक आमना एक अदद अनाउंसमेंट हुई जिसको हमने ऐसे इन द पासिंग बात की थी उसके ऊपर, मेगा सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अनाउंसमेंट हुई विद अ फोटोशूट। ये कौन सा फोटोशूट था, ये फोटोशूट था ना जो फोटो लगाई अब्दुल्ला गादवानी साहब ने, अच्छा वो जो पिक्चर थी सॉर्ट ऑफ अ फोटोशूट, फोटो ऑप, एक अच्छा एक और भी कोई वहाज यमुना का फोटोशूट आया है, पता नहीं क्या वो एक सेम था या अलग था या क्या था, जिसमें एम्प्टी चेयर वाली वहाज ने फोटो, यार वो तो वहाज लग बड़े जबरदस्त रहे, वहाज की क्या बात है। तो ये मैंने कहा कि आपका सीनियर तजियाकार है तो आपका तजिया लेंगे कि तेरे बिन मेरे मथे पा दे और सारा कुछ तेरे बिन टू के हवाले से आपने जी क्या आपकी उम्मीदें हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके पास कोई खबर होगी, इतने आपके ताल्लुकात नहीं है कि कोई खबर आपके पास नहीं, मैं नहीं, ये आपका ख्याल है, ये आपका ख्याल है, इतने आपके आमना ताल्लुकात हैं जितना आपका ताल्लुक बाकी सारी चीजों से है, लेकिन इतना ताल्लुक नहीं है आपका। आई हैव रिमेंड, अच्छा आई हैव रिमेंड, चलें यार फिर बात करते हैं, तो क्योंकि हमने टाइटल ब्रेक पे नहीं जाना है, बिकॉज़ सबसे पहले मुबारक देते हैं फरहान और उर्वा को, एब्सोल्युटली फरहान और उर्वा को बहुत मुबारक हो, उनकी बेटी हुई है, फरहान उर्वा मावरा द एंटायर फैमिली, फरहान की फैमिली, फरहान उर्वा मावरा अमीर, मैंने कहा यार रुक गए, व्हाई नॉट हां रुक गए, दोस्तों को साले अहले बाप को खानदान को सबको, सबको आपको भी भाई हैं आप, हां बिल्कुल मुझे भी क्यों नहीं भाई, बल्कि आप मुबारक हो आपकी भांजी हुई है, खैर मुबारक, शुक्रिया, व्हाई नॉट जी। तो ये बहुत खुशी की बात है, और बड़े खूबसूरत एक पोस्ट शेयर की फरहान और उर्वा दोनों ने, और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम उन्होंने रखा जहां आरा अपनी बेटी का, माशाल्लाह वेरी एडोरेबल, और उन्होंने कहा कि जहां आरा सईद तो नाम है बट प्यार से बेबी को आरा कह के आरा कहते हैं, तो बहुत खुशी की बात है, एंड आर बेस्ट विशेस प्रेयर्स जी बिल्कुल, नॉट जस्ट विद द बेबी बट विद द एंटायर फैमिली जी बिल्कुल। तो बॉर्न इन टेक्सस अमेरिका में, माशाल्लाह कोई फैमिली है उनकी टेक्सस में, पैदाइश हुई आई थिंक फरहान के भाई होते हैं, अच्छा अच्छा राइट, वहां पे उनकी फैमिली है वहां पे, नाइस। तो आजकल के दौर में वैसे आई डोंट ब्लेम देम टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर वो अमेरिका में दे चोज टू एब्सोल्युटली हैव दैट बर्थ, आई मीन आज ही मैं एज अ मैटर ऑफ खबर देख रहा था पाकिस्तान रैंक्ड एट लाइक नो फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट बिल्कुल इन द वर्ल्ड, सो इफ समबडी हैज द मींस जी जी बिल्कुल एब्सोल्युटली व्हाई नॉट बिल्कुल, सो लॉट्स ऑफ लव टू उर्वा फरहान आरा एंड द एंटायर फैमिली, शाजिया वजाहत वजाहत रऊफ एक जाने माने नाम है, डायरेक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को वजाहत रऊफ, लिखा है इस फिल्म को मोहसिन अली ने, अच्छा विद एडिशनल डायलॉग्स फ्रॉम वजाहत रऊफ, और इसकी स्टार कास्ट में शामिल हैं महविश हयात, अली रहमान खान और इंट्रोड्यूसिंग मोमिन साकिब, और इज इट हिज फर्स्ट फिल्म, आई डोंट नो, ही इज अ मीडिया पर्सनालिटी सो एनीवे, बट और इससे पहले वजाहत ने उसमें से काम रक्से बिस्मिल में काम किया था ना, हाँ, मोमिन ने किया, मोमिन ने और भी ड्रामे किए, और भी एक्सप्रेस पे भी आ जी बिल्कुल ऐसा ही है, तो ये उनकी फिल्म आ रही है, फिल्म जो है वो इत्तेफाकन आज ही फ्लोर्स पे गई है उसका शूट, ओ अनाउंसमेंट एक दिन पहले और अगले दिन फिल्म, अगले दिन शूट, वेल डन जी, आज मतलब सैटरडे
टुडे इज द फर्स्ट डे ऑफ शूट, शूट शुरू हो चुका और ईद पे फिल्म आ रही है, और ईद पे फिल्म आ रही है। नहीं यार अच्छा मेरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरी वजह से बात हुई तो उन्होंने बताया था कि वो प्लान कर रहे हैं, तो वो पिछले महीने, तो मैंने कहा दिसंबर तो हो गया यार, तो फिल्म कब करेंगे? उन्होंने कहा मैं तो 30 दिन में फिल्म निपटा देता हूं। एग्जैक्टली, तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है माशाल्लाह बड़ा अच्छा, वो अपनी खत्म कर। अच्छी बात यह है कि वजाद इज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क एज अ डायरेक्टर एज अ प्रोड्यूसर, और उनका ये कि मैंने तो काम किए जाना है, अच्छा लगे बुरा लगे बातें बनाओ तुम लोग जो भी करो, मैंने फिल्म बना। बात क्या हुई है फिर अंदर की, अंदरूनी? अंदरों की कुछ भी नहीं है, ये फिल्म है और इसमें कास्ट आपके सामने है, इसके अलावा बहुत बड़ी कास्ट है जिसमें बहुत सारे लोग हैं, लैला वास्ती, नाम आप बताएंगे नहीं किसी का तो फायदा नहीं, मुझे याद ही नहीं रहे, काफी बड़ी कास्ट है। हाँ, इट्स अ फैमिली कॉमेडी। ओके, जो उनका जॉनर एक है ह्यूमर, फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, लेकिन मैस ओरिएंटेड कमर्शियल मसाला फिल्म है। उन्होंने कहा इसमें कोई वो नहीं है, इट्स नॉट अ सोशल कमेंट्री नहीं, लास्ट थी उनके पर्दे में रहने दो, मगर उसमें भी आई थिंक एक कॉमिक एक एलिमेंट और फन एलिमेंट था। पूरी एक्सटेंडेड कास्ट में सिर्फ लैला वासी साहिबा का नाम याद आया, मुझे लैला वासी का नाम याद है, और किसी का नाम है मैं ही कर लेता फोन। ठीक है जी, तो गुड लक। उनका गाना था एक फिल्म का कलाबाजिल, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं और वो तो हमारे साथ तस्वीरें नहीं लगाते, हम ही लगाते हैं, तो एक्चुअली यो यो हनी सिंह ने अपने इंस्टा पे वो तस्वीर लगाई, मैविश ने सिर्फ अपने इंस्टा स्टोरी पे शेयर की। क्या बात, क्या बात है, तो यार मैविश आज जो ना वो मूवी स्टार लगती है, दैट्स व्हाट आई लव अबाउट मैविश, को क्या मूवी स्टार है वो, मैविश की औरत बिल्कुल। अली रहमान खान को हम देखेंगे, अपने गुरु में देखा उनको, वो भी वजाहत के साथ लॉन्ग टाइम कोलैबोरेटर रहे हैं, और अगर आप मन्नत मुराद देख रहे होते तो आजकल मन्नत मुराद में भी हैं। अच्छा जी, ओके, मैं क्यों देखूं मन्नत मुराद, नहीं आपको नहीं देखना चाहिए। तो गुड लक टू द एंटायर टीम, एब्सोल्युटली विश देम ऑल द बेस्ट। मायरा का ट्रिब्यूट टू परवीन बाबी, परवीन बाबी। अच्छा, मेरे पहले रिएक्शन आमना, जो सच्ची बात है, मैं सच्ची बात करना चाहूंगा, आपको बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही हूं, दे ना, व्हाई परवीन भाभी? हाँ, ये सवाल आपके जाए, ये सवाल मेरा इसलिए है, ये आपका मेरिट रखता है, एज अ पाकिस्तानी ब्रांड एंड वन ऑफ क्या आर बिगेस्ट सुपरस्टार जी, शी इज पेइंग होमाज टू परवीन भाभी जी, नथिंग रॉन्ग विद इट, but also why Parveen Babi and why not a local superstar, let's say Babra Sharif or Reema or Shamimara. No, आपकी बात बिल्कुल सही है, और इससे पहले by the way जो ये Muse एक brand है लाहौर का, जिसने ये campaigns निकाली हैं, इनकी पहली कैंपेन जो थी वो माया अली के साथ थी, वो किसका, और वो ट्रिब्यूट था श्रीदेवी का। अच्छा, श्रीदेवी, और श्रीदेवी का एक गाना था जो कि साड़ी पहन के, और माया is looking absolutely drop dead gorgeous in that song, but wo was a tribute to Sri Devi, this is a tribute to Babra Sharif, Babra Sharif kehti hu kaat dena, this is a tribute to Parveen Babi. I don't know, maybe the brand is reaching out to an Indian market in Dubai, which is why they're doing these campaigns, but then why would my question is why would Amira Khan agree to it, because wo thoda sa wo aata hai na cross border, although we love Bollywood, I've grown up on Bollywood. I love Parveen Babi films, these songs that are featured in the campaign, I absolutely love those songs, I mean I think they're on my playlist and all of that, but my concern when you put these stars together, bottom line ye hai ki yaar aapke stars abhi tak banned hai India mein, mujhe to sirf ye khayal aata hai ki aapke stars abhi tak banned hai India mein, आप उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं तो इट डजंट गो डाउन टू वेल। आल्सो विद ऑल ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट, परवीन बाबी साहिबा हैड अ वेरी टर्बुलेंट लेटर, नो आई मीन ऑफ कोर्स मैं नॉट टू टेक अवे फ्रॉम हर अचीवमेंट्स एंड फॉर द ग्रेट वर्क दैट शी हैड डन, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट यू नो द डिसीजन टू पे होमाज टू अ स्टार और एन एक्टर और अ यस्टरडे यू नो आइकॉन, वो क्या उसके मेरिट्स होते हैं, स्पेशली अगर एक
देखो एक प्लेटफॉर्म करे जो एंटरटेनमेंट पोर्टल टाइप कोई चीज है तो वो एक अलग सिनेरियो होता है. एक क्लोथिंग ब्रांड है जो कि ऑब्वियसली उस आप जैसे होता ना लोगों की भी तो ओनरशिप होती ना कि क्लोथिंग ब्रांड के लिए या आपके लोग जो प्रोडक्ट्स होते हैं या और दीगर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि लाइक यू नो व्हाट कुड हैव बीन द थॉट प्रोसेस बिहाइंड चूजिंग परवीन बाबी. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ऐसा ही है. ये सवाल आपका वैलिड है. बाकी ये हो सकता है कि जो 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 लोग जो ब्रांड का हिस्सा है म्यूज जो चला रहे हैं उनको शायद वो लुक अप टू करते हो तो उनकी एक डिसीजन है जी. उसको तो नहीं आप चैलेंज कर नहीं बट वो जो कैंपेन है पूरी उसमें मायरा टेक्स लाइक फुल ओनरशिप. I loved her style और उनका एक इंटरव्यू था टाइम के साथ वो मैंने देखा उनका जो पर्सनल. Also जिस तरह से मायरा सवालों के जवाब दे रही मुझे लगा कि she's trying to emulate. Emulate नहीं नहीं उनका पूरा मेकअप हेयर एंड मेकअप बिल्कुल परवीन बॉबी from the 1980s 90s की जो फिल्में थी उनकी वो exactly वही था. So वो बड़ा carefully constructed था. It was not just by chance. तो वो है. Obviously thought out तरीके के साथ एक इतना काम हुआ है तो ऐसे तो नहीं होगा. कैंपेन बहुत खूबसूरत है. कैंपेन बहुत अच्छी है बहुत कैची भी है और लोग बात भी कर रहे हैं. मे बी दैट्स द सक्सेस ऑफ द कैंपेन. अच्छा व्हाट इज एक इसमें से एक लार्जर कॉन्वर्सेशन ये भी निकलती है कि क्या हमारे यस्टरडेयर एक्टर्स या लेजेंड्स या स्टार्स का वो लेवल नहीं है कि हम कह सकें यार के या उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन ऐसी नहीं है कि हम कह सकें कि यार आपने उनको नहीं चूज किया. आई थिंक इतनी रिकॉल वैल्यू इस जनरेशन के लिए शायद नहीं है. है लेकिन बहुत कम लोगों की है. लाइक आई कैन यू इमेजिन समबडी इन इंडिया लाइक देयर सुपरस्टार पेइंग अ ट्रिब्यूट टू अ पाकिस्तानी लेजेंड. नो नो नॉट इवन अनुजा नॉट इवन अमलका तरन्नुम नूरजहां हु वर्कड इन इंडिया प्री पार्टीशन एंड हु हैड ग्रेट रिलेशनशिप्स विद लता जी एंड विद यू नो सुपरस्टार्स ऑफ दैट एरा नॉट इवन देम. नो तो थोड़ा सा ऑड तो है. कैंपेन बहुत खूबसूरत है. लाइक दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट पेइंग होमाज टू नूरजहां फॉर एग्जांपल. नो इवन इफ दे डिड आई थिंक देयर विल बी लॉट ऑफ आउटक्राई. लॉट ऑफ आउटक्राई. नॉट सेइंग कि हर के मायरा के इसके ऊपर आउटक्राई होनी चाहिए. वैसे एक थॉट आ रही है दिमाग में तो हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं. प्लीज इसका ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम ये कहें कि यार के आप. मुझे तो यही समझ आता है कि स्ट्रेटजिकली मे बी द ब्रांड व्हिच बाय द वे आई लव द ब्रांड म्यूज इज सो गुड एंड देयर their clothes have such a strong signature that aapko ek meal se pata chal jata hai ye muse ka outfit hai. And for any brand to have that kind of recall value I think is their success. It's a fantastic brand. I feel that maybe they are branching out to an international market or clientele or so this campaign makes sense in that respect. But Myra's paying tribute to an Indian superstar maybe doesn't, you know, because she's our biggest superstar. But then Maya paid a tribute to Shridevi. But our superstars paying tribute doesn't really make sense in that respect. I'm saying people behind Muse, if they have that, you know, respect for our personal choice, bhi to hai, personal liking bhi hoti hai. Jaise main claim karta hun ki main Shahrukh Khan ka bada fan hun. Same. Aap claim karte hain, aap Shahrukh Khan ki badi fan hai. Toh main agar personal zindagi mein agar main Shahrukh Khan ko tribute dena chahta hun kisi through my work, it's a personal choice. Bilkul. So agar wo ek personal choice hai, toh wo samajh mein aata hai. Mujhe yaad hai, back in the day, जब नबीला का बहुत काम होता था तो दे यूज़ टू और हम लोग इंस्टेप के सेंटर स्प्रेड बनाते थे तो एक बड़ा वंस ईयर होता था कि एक मेकअप आर्टिस्ट विल क्रिएट लुक्स यू नो ऑफ डिफरेंट स्टार्स थ्रू द एराज एंड किसी एक को लेके. तो बाबरा शरीफ का एक शूट था जिसमें एक पिक्चर में बाबरा इज लुकिंग लाइक मैरिलिन मनरो एक पिक्चर में शी इज लुकिंग लाइक मैडोना. तो आप वो स्टार्स लेके बनाते थे तो एक तरीका तो है होमाज पे करने का. लेकिन जहाँ इतनी पॉलिटिकल टेंशन हो दो लोगों के बीच में और इंडस्ट्रीज़ के बीच में कि आपके स्टार्स बैंड है वहाँ पे ज़रा सा महले पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. ऑल्सो मे बी अगर ये बात भी है तो चलें आपने जहाँ श्रीदेवी को एक होमाज दिया एक आप बाबरा शरीफ को दे दें फिर एक परवीन बाबी को दे दें फिर एक you know, शमी मारा को दे दें नूरजहां साहब को दे दें जिक्र किया उनको दे दें बिल्कुल एक वो हो जाए ना थोड़ी. आई डोंट नो मैन उनकी मर्जी है. एक थॉट आई तो हमने शेयर की. हम ये नहीं कह रहे भाई
सही है या गलत है या क्या है क्या नहीं, उनकी मर्जी, उनका ब्रांड। एक दिल में एक ख्याल आया, ख्याल आया तो शेयर किया भाई प्लीज। इसका ये मकसद इट्स नॉट टू पुल डाउन एनीवन और टू बी ओवर क्रिटिकल और टू इवन क्रिटिसाइज समवन, इट्स देयर ब्रांड, देयर मर्जी, वी जस्ट हैड अ थॉट एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस। जी जी हसन, तेरे बिन क्या टक्साली गेट का आमना जी टीजर है मुझे लगा बड़ा बिटवीन द लाइंस जो है वो बड़ी यार, वो पहला जो डायलॉग है ना, टक्साली में रहने वाली एक लड़की जिसका बाप कंजर था, 25,000 फेरा उसके लिए, ये तो आपने मुझे समझाया कि इसका मतलब क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। Okay, so I think, as far as my knowledge goes, Aisha Umar is playing a prostitute. Right. Because वो जो 25,000 फेरे वाली बात है ना, फेरा is like one round, one round of sex with a prostitute. Right. And so she's saying कि 25,000 फेरा. तो देखा जाए तो बड़ा bold और बड़ा daring वो dialogue है, और Aisha ने उसको express भी बड़े बड़े emotion से बड़ी strongly किया है. Do we have any reference point कि टक्साली गेट का क्या है reference film? अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं पता, but टक्साली गेट was one of the several, जैसे आपको दिल्ली गेट है और दूसरे दरवाजे हैं, तो it's one of those historical, यही दो आते हैं हमें, historical gates in old city of Lahore. जी. So probably could have to do something with हीरा मंडी या you know इस तरह का कोई हो सकता है, कोई रेफरेंस हो, फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा, बट जब आप but it's not a period film. It doesn't appear to be yeah. Doesn't appear to be a period film, but I have to say, आमना बहुत सारी फिल्में पाकिस्तान में बन भी रही हैं, हम ट्रेलर देखते रहते हैं, तो मुझे एक जो चीज़ होती है ना कि यार हम बहुत आर्टसी सिनेमा की तरफ चले गए हैं, पैरेलल सिनेमा टाइप, लाइक यू नो दिस नॉट इनफ ऑफ दो कमर्शियल ब्लॉक बस्टर not happening anymore, right? Like a JPNAs or a London hi jaungi type. It's so sad. Or Qaid Azam Zindabad. It's so sad. Abhi tak this year, we've not heard of a single, like a Nadeem Beg film coming up. Haan. Or a Humayun's production. Nabeel, Fiza ki koji nahi aari. Ek wajahat ki aari, I hope ki ye thoda wapis wo genre ki taraf hume leke jaye. Exactly. Having said that, Taksali ki jo mujhe vibe hai na, mujhe achhi lag rahi hai. But iski had tak, trailer ki had tak. I thought it was very... लिखा और डायरेक्ट किया अबू अलिया ने, हमें पता कि वो फिल्में जो भी बनाते हैं इसी जॉनरा में बनाते हैं। मैंने सोचा यार मैं इस साल सब पाकिस्तानी फिल्में, मैंने भी यही सोचा, मैंने लास्ट देखी आपने फिर बकरी नहीं अभी नहीं देखी लेकिन सोचा जरूर है कि देखेंगे हम, लेकिन मैं सब फिल्में देखूंगा। फिल्म में यासिर हुसैन है, आयशा उमर है, मेहरबानो है, उमर आलम है, इफ़त उमर है, नैयर एजाज हैं, बाबर अली साहब हैं, इफ्तिखार ठाकुर भी हैं, अली खान भी हैं, खालिद अनम हैं, तो काफ़ी सारे लोग हैं फिल्म में। और जैसे आपने बाबर अली उसमें भी हैं दगाबाज़ में एकदम, मुझे अच्छा जी या बाबर अली, लव यू बाबर अली सर, बाबर अली साहब की क्या बात है। तो इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं उसमें, जैसे आपने कहा वकास रिजवी हैं और आयशा उमर ने भी प्रोड्यूस की है फिल्म, और शबीर शाह जो हैं वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। I am looking forward to this film. Same. Well, do we have a tentative date of release? Or any suggestion? 16th Feb 2024. Oh, next month. Next month. Coming soon. Yeah. Yeah. देखेंगे फिर. चलेंगे हसन देखने. हाँ देखने चलेंगे. देखने चलेंगे. बुलाना यार हमें. नहीं नहीं वकास is a good guy. हाँ. और जितना उनके साथ interaction रही है. जी. अच्छे मेहनती आदमी है और आयशा की तो क्या बात है. So looking forward to Taksali. जी. आमना जी तेरे बिन टू, ओहो क्या राज है सीने में छुपा के रखे आज बता ही दो। आमना ये जो सीजन टू की अनाउंसमेंट्स है उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या मैं कहूँ इसके बारे में, ऑब्वियसली इट वाज सच अ मैसिव सक्सेस, दे सेड व्हाई नॉट कैश इन। नहीं जो जिस तरीके से अनाउंसमेंट, जैसे फेरी टेल की अनाउंसमेंट एक हुई, तो मुहूर्त निकला ना कि ऐसे करके ओएसटी से हुआ ये निकला जरा एक फोटोशूट स्टाइल में, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं कहना चाहूंगी, कुछ तो कहें हम। नहीं यार मेरे फोटो शूट पे क्या मैंने कहना है, वाज नॉट अ फोटो शूट, इट वाज अ फोटो ऑप। फोटो ऑप? हां वो फोटो शूट अलग था फिर। कौन सा? जिसमें वहाज कुर्सी पे बैठे, वो तो डीवा मैगजीन का शूट था। अच्छा वो डीवा का, ऑफ कोर्स। हां तो डीवा का शूट, बट यमुना हैड सिमिलर लुक लाइक वेट हेयर टाइप लुक। वो तो डीवा की लुक थी वो, आई थिंक शी वाज वेयरिंग ज़हीर अब्बास इन दैट थिंग, इट वाज अ कवर शूट फॉर डीवा मैगजीन। हां यस 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 यू आर राइट।
You're right. That had nothing to do with the Terebintu announcement. It's just that they were maybe. But do they not have the similar hair, like hair and all everything? No, same day anyway. Maybe wow. I don't know. Maybe shoot se utke wo log chale gaye ho cake kaatne. क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है अभी तक कॉन्ट्रैक्ट्स कोई साइन नहीं हुए हैं हाँ हाँ क्या बात कर जहाँ तक मुझे इल्म है किसने कहा आपको मुझे फिर मैं आपको पता है बातें पता चल जाती हैं जहाँ तक मुझे इल्म है यमुना और बहाज दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया लेकिन ऑब्वियसली देयर इन द पिक्चर ये क्या बात है कि आपने ये नई बात आप मार्केट में ले आई है कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया उनकी ये तस्वीर मैं तेरे बिन की जुबान में मैं कहती हूँ ये क्या है बट कॉन्ट्रैक्ट इससे बड़ा क्या कॉन्ट्रैक्ट होगा ये क्या है आप मैं क्या कह सकती हूँ आपने क्या बात क्या करनी है क्या आप क्या इससे बढ़ के क्या कॉन्ट्रैक्ट है ये एक तस्वीर है यार आमना लब्बा दुहाई कॉपीराइट ही ना आ जाए यार ये देखें आप नहीं तो मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि they're not going to play आमना ओहो as you say in the words of the wise हसन चौधरी there is no तेरे बिन without वहाजन खत्म हो गई बात खत्म हो गई बात कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि नहीं किया उन्होंने कर लेंगे वो अगर नहीं किया अभी अभी तक नहीं आई थिंक दिस इज अ कमिटमेंट बहुत अब तो दिस इज अ कमिटमेंट लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भी विथड्रॉ किया हाँ, है वो भी और नहीं नहीं इट इज अ कमिटमेंट और ऐसा नहीं है कि अब आप ज्यादा आपको गहरा ताल्लुक है इन लोगों से मेरा किसी क्या ये इन लोगों से क्या आपको पता नहीं कि ऑन फ्लोर गया कि नहीं ये ड्रामा मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब्दुल्ला कादवानी साहब की इस अनाउंसमेंट की तस्वीर पर 1,74,000 लाइक्स 1,074,876 वेल डन हसन वेल डन प्लस दिस इज आमना एक उसमें मेरा प्लस दिस इज आमना हां एक उसमें मेरा भी तो ये हो गए टोटल 1,74,877 लोगों ने लाइक किया है इस पोस्ट को जिससे आप अंदाजा लें और 16,026 कमेंट्स हैं आमना जी ओए होए होए इस पोस्ट के ऊपर तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि तेरे बिन का जो फिनोमिनन है और तेरे बिन का जो वेव है और जो वो अभी तक सबसाइड करने के बिल्कुल भी करीब नहीं है क्या बात है आपकी इसमें से एक लाइक मेरा आपका भी है तो ठीक है मैंने अभी नहीं किया मैं अभी कर दिया कर दिया अभी मैंने अब लाइक किया ओहो मैं ट्रैवल कर रहा था ना जब अनाउंसमेंट 29 दिसंबर को मैं था नहीं मुल्क लेकिन मैंने लाइक कर दिया अब्दुल्ला भाई तक पहुंच गया होगा ठीक है अब्दुल्ला भाई का यही काम है बैठ के देख रहे होंगे मेरी नहीं नोटिफिकेशन में आओगे ना प्रायोरिटी पे मेरा वेरीफाइड है oh. और फॉलोअर भी है 70-71,000 तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आया होगा उनका प्रायोरिटी पे हसन चौधरी लाइट क्या कहना चाहेंगे हाँ हीरा मानी का कमेंट है पोस्ट के ऊपर ये हीरा पार्ट तो नहीं है तेरे बिंटू का जाने क्या रोल होगा हीरा का कुछ भी हो सकता है नई हया का रोल शायद हीरा प्ले कर रही हूँ भाई सीधी बात है कि ये अनाउंसमेंट हुई और हमने पहले भी कहा था कि यमुना और वहाज के बगैर तेरे बिन तो है नहीं तो अच्छी बात है कि ये कंफर्मेशन आ गई है कि तेरे बिन टू जब कभी बना वो यमुना और वहाज के साथ ही बनेगा तो इससे बड़ी अनाउंसमेंट और इससे बड़ी बात मेरा नहीं ख्याल और कोई हो सकती है तेरे बिन फैंस के लिए कि फाइनली इस बात को एक कंफर्मेशन की सूरत में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया गया है आगे इसका क्या सीन है अभी और कब फ्लोर पे जाएगा और शूट कब शुरू होगा मेरी जहाँ तक इंफॉर्मेशन है और ये आपके पास भी होगी इतनी कोई ये बड़ी बात नहीं है कि यमुना ऑब्वियसली इज़ बिजी विद हर प्रमोशंस राइट नाउ अभी मेरे ख्याल में वो लोग लाहौर गए हैं नायाब की पूरी टीम तो ऑब्वियसली यमुना कांट बी साइमल्टेनियसली शूटिंग अ ड्रामा राइट नाउ और जहाँ तक वहाज की बात है आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन जो वहाज का ड्रामा हसीब हसन के साथ है जिसमें माया उनके साथ उसका काम अभी कुछ बाकी है तो जब वो ख़त्म हो जाएगा मेरे ख्याल में तभी कुछ डेवलपमेंट होगी जी आमना आपके पास मजीद कोई इन्फॉर्मेशन है मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट ही साइन अभी तक ये आप मार्केट में नई चीज लाई है मैं ले आई हूँ मैं ये क्या जब फोटो लगी हुई है आप क्या बात कर रही है हाँ ना तो मैं तो टेक्निकल बात कर रही हूँ आप तो मार्केट में आपने एक नई चीज ले आई है मैं ले आया करती हूँ ये तो आप बड़ी एक अनहोनी बात कर रही हैं आपको किया कंफर्म वहाज ने या यमुना ने मेरी दोनों से बात नहीं हुई कितनी शक्ल पे झूठ नजर आ रहा है शक्ल पे नजर आ रहा है मेरी नहीं बात हुई दोनों से इस बारे में हाँ ये जब होगा पता चल जाएगा शूट हो रहा है मुझे थर्ड सोर्स से पता चला है सो आई कांट से साथ ही कह दिया कि यमुना वहाज ने आपको नहीं बात बताई है
नहीं बताई उन्होंने, हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं, नहीं, नहीं नहीं ये सच है कि उन्होंने बताई, उन्होंने बताया, मैं कसमन कह सकती हूँ, अब्दुल्ला कादरानी ने बताया आपको? नहीं वो तो मुझसे बात नहीं करते, क्यों नहीं करते ऐसे ना बोले यार, ओए ओए उनको मैंने फोन किया मुबारक को, उन्होंने फोन ही नहीं वापस उठाया, नहीं उठाया उनको, कितने फोन आए होंगे, ये भी उनको कितने फोन आ रहे होंगे, मैं भी लाइन में लगी हुई थी, उनको ख्याल नहीं रहा, नहीं एक्चुअली मैंने उनको तेरे बन के वक्त नहीं फोन किया, मैंने खई के वक्त उनको किया था, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू कंग्रेचुलेट हिम, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी, फिर अब आप देखें ना, आप ऐसी बहुतान कर रही हूँ, कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही हैं आप, कर दी मैंने, कर लें जो करना है, इनसे रابطہ करें, मैं इनसे पूछें क्यों ऐसी बातें, भाई मैंने थर्ड सोर्स पे देखें, ऑल जोक्स अपार्ट, मैंने थर्ड सोर्स से सुना है कि इन दोनों ने अभी तक, यार आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतनी सीनियर तजियाकार हैं, आई कैन नॉट रिवील माय सोर्स, कोई भी कुछ बोलेगा आप मान लेंगे, आई कांट, नहीं यहां पे फोटोशूट लगा हुआ है भाई, प्रोड्यूसर्स के साथ दोनों एक्टर्स खड़े हैं, हां तो उसकी अपनी वैलिडिटी है, उसकी अपनी वैलिडिटी, मैं वो तो नहीं डिनाई कर रही, मैं तो आई डोंट शूट द मैसेंजर माय डियर, आई एम जस्ट कन्वेइंग व्हाट आई एम हियरिंग, क्या बात, डोंट शूट द मैसेंजर, लेकिन मैं आप लोगों को हौसला देना चाहूंगा, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि तेरे बिन तू नहीं बन रहा, नहीं नहीं बन रहा है रब्बा दुआई जी की करिए यार, जब अनाउंस हो गए तो जाहिर है बनेगा ना, क्या आप लोगों को क्या टेंशन है, बन रहा है, बनेगा मगर अभी तक फ्लोर्स पे नहीं गया, मैं यही कह रहा हूँ, यमुना अभी प्रमोशंस कर रही है, वो लाहौर में है, वो गई है अपनी फिल्म की प्रमोशन, ऑब्वियसली वो फिल्म के बाद, और आज का जो वो प्रोजेक्ट है सुन मेरे दिल आई थिंक नाम है उसका, पता नहीं, माया के साथ जो हसीब हसन करें, आई थिंक उसका थोड़ा सा अभी पैच वर्क बाकी है, तो जब वो खत्म होगा तो ही आई थिंक फ्लोर पे जाएगा जी। फवाद खान ने एक इंटरव्यू दिया पॉडकास्ट की अपने ओल्ड फ्रेंड अहमद अली भट्ट के साथ, मैंने वो पूरी पॉडकास्ट सुनी, जबरदस्त आपने काम किया, एक दो सवाल आज मेरे ज़हन में है, पूछे ना फिर, एक तो ऑब्जर्वेशन है मेरी जो मैंने कल भी शेयर की कि मैं ऑब्वियसली क्योंकि फवाद को नहीं जानता तो मैं मुझे इंटरेस्टिंग लगा उनको सुनना, बिकॉज मुझे मेरी सोच में था कि वो शायद इस तरह से बात करें, बट वो बड़े उनसे बात नहीं हुई, एक अध बार हम जब अभी गए थे मनी बैग गारंटी पे जो मेरी उनसे मुलाकात, एक अध बार की सोच ली हमारे मौला जेट के प्रेमर पे एक बार बात थी, एक बार एक पार्टी पे वो मुझे मिले थे, तो कोई ऐसी नहीं हुई कि वन वन में कहूँ क्या हुई, तो मुझे लगा था कि वो बड़ा अब जो अगर जवाब देंगे ना तो बड़ा सोच के या उस तरह के होंगे देंगे, बट वो बड़े खुले डुले उन्होंने बात की, मुझे अच्छा लगा, बड़ा रॉ उनकी एक एनर्जी थी और रॉ फील थी पूरे, ऐसे ही है फवाद उस कॉन्वर्सेशन की, तो मुझे आई वाज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, द रियल फवाद, हां बिकॉज़ आई ऑलवेज थॉट दैट विद फवाद मे बी ही वुड बी लाइक वेरी सीरियस, लाइक यू विद योर इंटरव्यू आल्सो ही वाज अ बिट, या लाइक ड्यूरिंग दोस प्रमोशंस ही वाज अ बिट, इट फेल्ट दैट ही वाज अ बिट रिजर्वड और लाइक यू नो ही वाजंट कमिंग अक्रॉस एज Easy going as he did in from Noori days to like you know EP or phir EP ka unhone ye bhi kaha ki I'm not the one to create controversy but obviously it was not a very it was an ugly breakup to unhone ye sari baatein ki mujhe acha laga maine kaha that's good एक जो उन्होंने बात की हम सफर को लेके आपने सुनी वो बात आपका क्या उस पे पॉइंट ऑफ व्यू है उन्होंने कहा इट वाज अ पेचेक एंड इफ आई एम ऑफर्ड हम सफर नाउ आई वुडंट डू इट सही कह रहा है क्या आपका क्या ओपिनियन उन्होंने जो उनको जो सही बात लगती है उन्होंने सच बोला अपनी तरफ से उन्होंने बट यू थिंक अच्छा मैं इसमें फवाद को नहीं कह रहा बट मैं एक बात कह रहा हूँ कि यू वुड थिंक कि यार के जिस ड्रामे की इतनी एक बड़ी ऑडियंस है ऑडियंस का दिल रखने के लिए शायद आप ऐसी बात ना करें जैसे फॉर एग्जांपल विद तेरे बिन वुड यू एक्सपेक्ट वहाज और यमुना टू पब्लिकली सी कि यार के नहीं यार मैं इतनी जब इतनी एक फैन फॉलोइंग इस प्रोजेक्ट की होती है लाइक आई डोंट थिंक मायरा वुड से इन स्पाइट ऑफ हर फीलिंग व्हाटएवर हाउएवर शी फील्स अबाउट हमसफर एंड वी हैड दैट चैट विद हर जब हमने हमसफर का हॉट गोल किया था वो चीज है कि लाइक नो इट वाज अ पे चेक You know, fans don't want to hear that, irrespective of how you feel. I actually find that very refreshing that you have this megastar who's saying things as he feels like what he wants to say, as opposed to saying things that people want to hear. I find that very refreshing. Because it's not people. It's like very, very hardcore. It doesn't matter. Certain section who's really obsessed with it. This is how he feels. People need to deal with it. This is how he feels. I actually found the whole interview very refreshing. Because Fawad, I've listened very carefully to all the things. जो जो उन्होंने कही ही एक्चुअली थिंक्स लाइक दैट एंड ही बिलीव्स दीज थिंग्स उन्होंने कोई भी चीज़ ऑर्केस्ट्रेट नहीं की
हमारे यहाँ इंटरव्यूज में हसन बहुत ऑर्केस्ट्रेशन शुरू हो गई है कि लोग वो बात वो एक तो पहले वो चीज़ पहनते हैं जो उनके फैंस को अच्छी लगे, फिर वो बात कहते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं, वो ओपिनियन रखते हैं जो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो, फिर एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड पर्सनालिटी बनती है एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू, विच इफ़ यू सी 3-4 इंटरव्यूज एवरीबडी लुक्स एंड साउंड्स एंड हैज़ द सेम ओपिनियंस, एवरीबडी लुक्स द सेम. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट ही फील्स. जब हम सफ़र आया था नोबडी एक्सपेक्टेड इट टू बी दिस बिग अ हिट. और वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये वो कहानी है जो पहले बताई जा चुकी है, रिच बॉय पुअर गर्ल, फॉल इन लव, मिसअंडरस्टैंडिंग, गेट अपार्ट, यू नो, इट दिस नथिंग नॉवल अबाउट इट. इट्स दीज टू पीपल हु मेड इट सो बिग एंड दे मेड इट सक्सेसफुल. एंड इट्स नॉट इवन द ड्रामा दैट टुक हिम टू बॉलीवुड. आई थिंक जिंदगी गुलजार है वॉज द ड्रामा दैट गॉट हिम अपॉर्चुनिटीज. गुलजार है मोर एग्जैक्टली. बट ये वही बात है कि नो आई डोंट थिंक इट्स ऑड एट ऑल. बहुत अच्छा किया उन्होंने कि वही बात नहीं, नहीं और उन्होंने ये एक्नॉलेज जरूर किया, उन्होंने कहा कि हमसफर लेड हिम टू खूबसूरत, हमसफर एंड जिंदगी गुलजार है लेड हिम टू खूबसूरत. उन्होंने जो टीवी के बारे में बात की वो बिल्कुल सही की, जो उन्होंने फिल्म स्टार के बारे में बात की वो तो बहुत सही. मैं तो आई एग्री विद इट 100% कि मैं क्या जो दिखता है ज्यादा बिकता है, जो नहीं दिखता वो ज्यादा बिकता है. और सुबह उठ के मैं बताऊं कि मेरा फ्राइड अंडे का क्या टेम्परेचर था और मैंने कितने डिग्री पानी से नहाया, ये वो मुझे नहीं करना. दैट्स, मैं यहां पे एक बात ऐड करना चाहूंगा, दैट्स फवाद खान सेइंग दैट बिकॉज़ फवाद खान की जिंदगी में ऑलरेडी उतना इंटरेस्ट है, लाइक यू नो शाहरुख खान की जिंदगी में वो इंटरेस्ट है लोगों का. सो इफ अ शाहरुख खान और रणबीर कपूर की जिंदगी में वो इंटरेस्ट है लोगों का, सो इफ अ रणबीर कपूर सेज चूजेस नॉट टू बी on social media as much, then it's okay because it's not like Ranbir Kapoor is going to go away. So similarly, Fawad Khan's not going to go away. At the end of the day, it's the content that makes you the star. It's the kind of projects that you've done and the kind of roles you've done and how well you've done them, I feel, is one thing that makes you a star. Ab to khair har kisam ka star aapko mil jata hai. Nahin, ab na do ek fark hai na, chota sa, jo mujhe lagta hai. Ek ye hai ke, एक स्टार है या एक एक्टर है जो कि दिखा रहा है कि मैं फ्राइडे खा रहा हूँ या मैं इधर क्या हूँ एंड द ऑडियंस प्रॉब्ली इज नॉट इंटरेस्टेड. और एक ये बात है कि एक ऐसा सुपरस्टार है जिसमें ऑडियंस इंटरेस्टेड है जेन्युइनली कि यार ये फ्राइडे खाया या नहीं खाया या ऑमलेट खाया या कहाँ पे कौन से बीच पे गए कहाँ है क्या खा रहे हैं. तो वो एक फर्क है ना दोनों चीजों में. तो जहाँ पे इतना इंटरेस्ट है एक दैट इज ऑल्सो ब्लेसिंग के पीपल are so like you know interested in no lekin ek mistake to badhti hai na. Main khair baat hi ke dono kisam ke log hain aajkal, but I completely like follow this school of thought ki star ko itna accessible nahi hona chahiye, itna visible nahi hona chahiye, har jagah nahi hona chahiye, har waqt social media pe nahi hona chahiye. Dekhiye ek I am of that school of thought. Ek cheez hai ki main Fawad ki honesty ko bada appreciate karta hu. I think the fact that he was so candid in his conversation, absolutely, it takes. I loved what he said about Myra. I absolutely adored it. I think he hit it on the head that she's so charming. She's the Marilyn Monroe. He didn't call her the best actress. That quality came out for Sanam Saeed. When he asked her about Sanam Saeed, he said, "Oh my God, she is mind blowing. She is brilliant as an actor. Brilliant hai wo aurat. So khada kar do performance." He didn't say that about Myra. He said she's so charming, and he didn't call Sanam that charming. So he was very clear about his opinions and I completely agree. Yeah, aap to nahi 1+1 2 kar rahe hai kaam ka beech mein. Nahi, didn't you see the interview? I saw the interview. He said this. And I agree with him. I mean, wohi baat hai Hasan, hum kyun har baat bande se ek cheez sunna chahte hain? नहीं ठीक है यार, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं उनकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी कैंडिडनेस को. जब अहमद ने पूछा कि आलिया या सोनम, कहते हैं पप्पी वह अम्मी अब्बू वाले सवाल क्यों पड़ते हैं, अम्मी ज़्यादा पसंद है या अब्बू, सही है. हाँ, नो आई मीन इट टेक्स गट्स टू कम आउट एंड से दैट देयर आर अ प्रोजेक्ट दैट अपेरेंटली फॉर द वाइडर ऑडियंस मेड यू हु यू आर टू से के यार के इन हाइंडसाइट आई वुडंट डू इट अगेन. या एब्सोल्युटली. एंड ही सेड टेलीविजन डजंट एक्साइट मी. No, he said television is accessible. Yeah. Because आप उठते हैं सुबह उठ के, आप तो YouTube पे भी हैं तो, और एक पूरा केबल का नेटवर्क है यहाँ पे. टीवी भी कोई नहीं देख रहा, टीवी लोग YouTube पे देख रहे हैं, फोन्स पे देख तो रहे हैं. उस पे आसान है. एंड फिल्म का ये है कि obviously when you go, you spend money और फिर आप क्रिटिकल भी ज्यादा होते हो. I agree with those things. Absolutely. And I, in my heart, I do also agree that, you know, stars or big like the superstars, they need to have that aura of mystery around them. Totally. I appreciate Fawad and Ranbir for not being out there all the time and, you know, for not having that sort of a social media presence where, because
यू नो व्हेन यू रीच अ लेवल वेयर देयर इज दैट जेन्युइन इंटरेस्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कि आपने क्या अंडा खाया है क्या क्या, उसका भी एक अपना मजा है कि यार के नहीं पता चल रहा आपको क्या क्या खाया अंडे में, नहीं पता चल रहा कि कहां गए। एंड वी मे से दैट ओके अमिताभ बच्चन इज सच अ मेगा स्टार एंड ही इज ऑन ट्विटर ऑल द टाइम, बट द थिंग इज आप देखें वो क्या पोस्ट कर रहे होते हैं। I don't think he's posting कि अंडा क्या खाया है या सुबह या ऐसी random picture. Oh, Will Smith for that man. He said कि वही आज का दौर है, मैं एक time पे सोचता था. Oh, but Will Smith की यार content creation next level होती है. It's like three dimensional content creation. यार multi-million dollar वो reels बन रही होती हैं जो वो बनाते हैं. So वो उस standard से बना रहे हैं. अमिताभ बच्चन जो whatever thought he puts out, it's a very well constructed, responsible thought that he puts out. It's not just random, you know. It's not him doing Insta stories. No, it's not gibberish. Yeah, मैं लंदन चला गया, मैं दोस्त के साथ स्ट्रॉबेरी. Exactly, it's not gibberish that he's putting up. It is adhering to his brand. The same goes for Ranveer Singh. The same goes for Shahrukh Khan. ऐसे वो लोग बोंगियां नहीं मार रहे हैं बैठ के. जो भी उनका एक persona है, उसकी extension आप देखते हैं Instagram पे. And that's fine. बिना interviewed फवाद तो he said मेरे पास तो smartphone भी नहीं है. अब खैर smartphone आ गया है. अब स्मार्टफोन आ गया अभी डज नहीं. अनदर थिंग ही सेड दैट आई रियली इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट. ही सेड दैट वी हैव सीन एंड वी आर प्रोबब्ली द ओनली जनरेशन दैट सीन टेक्नोलॉजी मूव सो फास्ट, लाइक फ्रॉम एक्चुअली जो डेक होते थे आपके घर में भी होगा कैसेट वाला डेक, से नाउ स्पॉटिफाई ऑन योर आईफोन या और दीज एप्स, यू गाने लगा एयरपॉड्स कनेक्ट भी नहीं हो रहे, टूटियां लगाई कानों में और गाने बजना शुरू हो गए. मैंने तो रिकॉर्ड्स भी देखे हुए हैं. हां, अब्बू के पास होता था रिकॉर्ड प्लेयर. तो बिकॉज ऑफ दैट ऑब्वियसली ही इज यूज. दादा जान के पास ग्रामोफोन होता था. हां, ग्रामोफोन अभी भी कहीं है. तो या लुक एट द ही यूज्ड द वर्ड करप्टेड कि यू नो वी हैव ऑल बीन एंड इट्स ट्रू आई एग्री विद हिम एंड ही सेड दैट प्रोबेबली द ओल्डर जनरेशन थिंक सो फास्ट दैट यू नो हम यार देयर इज नो अदर फवाद खान क्या कहे, देयर इज नो अदर मायरा खान, दीज आर द ट्रूथ्स. That's true. And Fawad especially is Fawad Khan for a reason. The way he spoke about Kapoor and Sons, वो फिल्म इतनी खूबसूरत थी whatever. यार ये roles नहीं है इतने आसान करने, और ये शायद role कोई ना करता, Kapoor and Sons वाला खास तौर पे कोई ना करता. But he did it so well, और उनको माफ भी हो गया because you know he did it with so much honesty. और मुझे उनके ये एक spiritual side भी दिखी, वो भी बहुत अच्छा था. He said कि you know शादी हुई थी तो अब्बा ने कहा कि बीवी अपना रिस्क खुद ले गया थी और बच्चे भी अपना रिस्क खुद ले गया. उस दिन हम भी बात कर रहे थे पॉडकास्ट में भी, तो रिफ्रेशिंग था. एंड ही सेड एंड ही वाज वेरी वेरी थैंकफुल फॉर हम सफर आल्सो. ही सेड कि वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है जिस तरह. आई लव द वे ही एक्सप्रेस्ड हिज रिलेशनशिप विद खालिद हसन हसन खालिद, यू नो. एंड ही सेड कि यू नो इट्स नॉट जस्ट अ फ्रेंड, इट्स फैमिली नाउ. हाथ पे लकीर, लाइफ लाइन. हाँ, मेरी हाथ के लिए. मुझे बड़ा अच्छा लगा यार. कितना क्रेडिट देना किसी को, बहुत अच्छी बात है. बट थिंग इज यू नो इट्स हम्बलनेस कि अभी भी नर्वसनेस होती है सेट पे जाके. हाँ, नेवर कॉन्फिडेंट. अहमद सैद के हैव यू फ्लर्टेड विद समवन ऑफ स्क्रीन, इज लाइक नो. एंड देन अहमद सैद has anyone flirted with you off screen, इज लाइक इस शक्ल, इज लाइक इस शक्ल. या फवाद, मैं यार फवाद खान मतलब है कि आहो आहो क्यूट यार. He's got a good sense of humor as well. Yeah, he's very funny. Yeah. He does. Bich mein Punjabi bhi boli, but sab to naraz na ho jaate hain. Haan. Jaldi naraz ho jaate hain. Jaldi naraz. It was a good interview. You know, it was a very good. I really enjoyed it. And I want to appreciate Ahmed as well. Absolutely. I think they had that because ek main agar aapko interview karu to obviously ek comfort level hoga, ek rapo hogi 20 saal 25 saal baad main baith ke agar aapko karu. Unfortunately, hum dono mein se koi Fawad Khan nahi hai, lekin koi hai nahi. Interview hum dono kar sakte hain aur hum karte rehte hain ek dusre ko. But it was good. I think it's important. The other thing I realized that it is also important for the right people to interview certain celebrities. Because Fawad ko maine is element mein nahi dekha pehle. So it took an Ahmed Ali butt for Fawad to that flowy conversation. And I'm so glad he did. Yeah. And I you know, for Fawad to agree to doing this and for Ahmed to have done it in this way, it's great. Good watch. Yeah. Maza aaya. Absolutely. मैंने देखा कुछ फैंस अपसेट थे हम सफर वाली बात पे, तो मैंने कहा आपका तज़िया लूँ उसके ऊपर. ठीक है यार, इट इज व्हाट इट इज. कल हम यही बात कर रहे थे कि हम अपने दिमागों में अज्यूम कर लेते हैं कि एक एक्टर है या जिन लोगों को हम नहीं जानते आम जिंदगी में भी, कि यार कि उनका ये पर्सपेक्टिव होगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा, ऐसे सोचते होंगे बेस्ड ऑन वट एवर वी नो ऑफ देम, विच इज नॉट नेसेसरली ट्रू. एंड आई थिंक इट वॉज वेरी वेरी अगेन डेयरिंग ऑफ अ वार्ट टू हैव एक्चुअली ओन्ड अप टू इट. To say, yeah, because what does Fawad have to lose?
हो गया ना हम सफर, तो फेम हो गई हम सफर की, अब क्या मतलब है, सच ही बोलना है ना, फिर भी बड़ी बात है. अपनी कल्नरी स्किल्स की बात नहीं की बिल्कुल भी. अच्छा, था फवाद की लाइफ में when he wanted to open a restaurant. अच्छा, अभी भी मेरे हाल उनके जहन में है. कुछ स्टूडियो की उनकी बात हुई कि बड़ी महंगी चीजें हैं स्टूडियो में, रेस्टोरेंट खोलने का भी शौक है, वो भी एक फेस था. अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग. और ये बड़ी मजे की उन्होंने बात की कि एज अ प्रोड्यूसर ही रियली एंजॉयड बीइंग द प्रोड्यूसर एंड ही सेड कि बस अब आ जाने लो फिर. हां, तो वो अहमद ने कहा ना कि मैंने हुमायूं से बात की तो हुमायूं ने कहा कि ही एंजॉयज बीइंग द प्रोड्यूसर मोर देन बीइंग द एक्टर एंड फवाद सेड दैट्स एब्सोल्युटली ट्रू. सो इट्स इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव. ख्वातीनो ज़ात, यहां पे हम आपसे इजाजत चाहेंगे. आमना जी, आप कुछ रहने क्या हमारा ये क्या था बस? और क्या रह करना, सारी बातें हो गई. मैंने देख लिया आपके जो मैंने विंडो में भेजा था, टक्साली गेट, दगाबाज दिल, फवाद खान का इंटरव्यू, तेरे बिंटू के अनाउंसमेंट, फरहान उर्वा को मुबारकबाद, मायरा का होमाज टू परवीन भाभी. कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, कल मुलाकात होगी हमारी या नहीं पता नहीं, कर लेंगे, देखते हैं, कर लेंगे. मौका मिला तो जरूर आपसे कल भी मुलाकात करेंगे. आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज़.